इस वक्त हम नामांकन दफ्तर के बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। संजय सिंह को जेल से सिविल लाइन स्थित परिवहन विभाग में नामांकन दाखिल करने के लिए लाया गया था। और ये देखिए मिठाइयां यहां पर आ गई हैं और विधायक मिठाई लेकर यहां पहुंचे। मिठाई मंगवाई आपने? बिल्कुल, हमारे प्यारे बड़े भाई निधड़क बेखौफ जिन्होंने राज्यसभा के अंदर बड़ी बेबाकी से निडरता से मोदी सरकार के घोटालों को खोला। अगर विपक्ष किसी को कहा जाता था तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को कहा जाता था और आज उनको फिर से राज्यसभा में भेजा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनके साथ साथ स्वाति बारीवाल जी जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत शानदार काम किया दिल्ली वुमेन कमीशन में, और साथ साथ एंडी गुप्ता जी को तीन तीन हमारे राज्यसभा के सांसद आज नॉमिनेट हुए हैं, तो इसमें सभी को बहुत बहुत बधाई। जाहिर सी बात है कि संजय सिंह के जो समर्थक हैं वो जबरदस्त नारेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन अब मिठाइयां बंटनी यहाँ शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि संजय सिंह को खास अनुमति मिली थी नामांकन दाखिल करने के लिए, तो जाहिर है कि उत्साह उनमें जबरदस्त है। और जाहिर सी बात है कि इन सभी समर्थकों ने जब संजय सिंह पहुंचे तो संजय सिंह के समर्थन में यहाँ पे नारेबाजी की। और तस्वीरों में यहाँ पर आइए हम बात कराते हैं, आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं जी। बहुत खुशी की बात है और शुक्रिया अदा करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का जिन्होंने दोबारा से संजय भैया को सांसद बनाया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और जो तानाशाही है वो तानाशाही चलने वाली नहीं है और आम आदमी पार्टी संजय सिंह दोबारा से धारने के लिए सांसद में प्रवेश कर चुके हैं। और जो ये मोदी जी हमेशा डराते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, तो डरने वाली हमारी पार्टी। यहाँ पे आपने उत्साह देख लिया, जाहिर है कि समर्थकों में उत्साह है और इन मिठाइयों के बीच नारे गूंज रहे हैं। और ये नारेबाजी जो है इसी तरह से लगातार नामांकन दफ्तर के बाहर चल रही थी जब अंदर नामांकन दाखिल कर रहे थे संजय सिंह। और देखना होगा कि जिस तरह से परिवार उम्मीद लगा रहा है, समर्थक उम्मीद लगा रहे हैं, कब राहत मिलती है जेल से संजय सिंह को। लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, इसलिए वो नामांकन भर चुके हैं। 19 जनवरी को चुनाव होगा। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ पंकज जैन, दिल्ली।